ऐसे कैसे लग गई चोट? कितनी बार पूछोगे साथ, ऐसे कैसे लग गई चोट? फिर से लगा के दिखाऊं क्या? खून भी निकला था। हाँ निकला था। तुम रोई थी? ना। झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम रोई थी। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं ना तुम रोई थी। तुम्हें चुप किसने कराया होगा हानी? पागल हो, मैं छोटी सी बच्ची हूँ जो इतनी सी चोट पे रो दूंगी। मैं कल ही आ जाता हूँ। खबरदार साद, अगर तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते तो मैं भी तुम्हें डांट खाते भी नहीं देख सकती। कल तो क्या तुम इस वीकेंड पे भी नहीं आ रहे हो? ओके? वीकेंड पे भी नहीं, क्यों? साथ में बोल रही हूँ, वहां रहो और प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। यहाँ आओगे तो खाक तैयारी करोगे। जबरदस्त सी प्रेजेंटेशन दो और नेक्स्ट वीक आना। ओके? ओके। चलो फोन रखो, अब पढ़ो जाके। ना ख्याल रखो। बाय। सालार बहुत ही अच्छा इंसान है, असूल पसंद। भाई मैं तो बहुत मुतासिर हुआ उससे। और क्या, हालांकि आजकल ऐसा होता कहाँ है। ऐसा होता है ना, इन जैसे लोगों को देख के ये एहसास होता है कि अभी दुनिया अच्छे लोगों से महरूम नहीं। बड़े लोग क्या माजूर होते हैं? नहीं मगर अमूमन एहसास से आदि होते हैं। जिसमें एहसास ना हो वो इंसान नहीं होता। सेल्फ मेड इंसान है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, एहसास करने वाला। पता नहीं किस तरह से इनके वालिदैन यहाँ के स्कूल की फीस भर रहे होंगे और आपने इसको बागबानी और रंग साजी का नाम दे दिया। भाईजान आप तो बहुत मुतासर हैं उससे। देख लेते हैं कि सालार आजम कौन सा तीर मारता है। इरादे तो उसके बहुत अच्छे हैं, और तो और उसने हमारे स्कूल और हॉस्पिटल के लिए जाती तौर पर फंड भी दिया। मुझे ये स्कूल का बहुत बेकार कैंप ज्यादा लग रहा है, प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ मैं। मैं इस वीकेंड पे घर नहीं जा रहा। हाँ भाई हुक्मे यार जो है मैं उसकी बात नहीं डाल सकता, लेकिन उससे इतने दिन दूर रहना भी तो अजाब है। ये कबाब मैंने तुम्हारे लिए बनवाए, जरूर खा। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए भी। इतने दिनों बाद उसको देखूंगा तो दिल जी उठेगा। अभी तो मर रहा हूं मैं। कभी कभी जुदाई कुछ नहीं कहती मगर कुर्बत मार देती। उम्म-ए-हानी कुछ खाया पिया करो, क्या हो गया? ठीक है। किस्मत कितों नया।
आपने ये क्या किया? अभी तो छुट्टी में एक घंटा था। मुझे अपनी तस्वीर मुकम्मल करवानी है। कर देंगे? कंप्लीट। लेकिन इसमें तो मेरी आंखें बंद हैं। इसलिए इसमें मैंने आपको सोता हुआ दिखाया। लेकिन पूछो तो मैंने जागते हुए बनवाया, तो फिर आंखें क्यों बंद है मेरी? इसलिए क्योंकि आप देखते बहुत हैं। आंखें होती ही देखने के लिए, और कुछ चेहरे तो अल्लाह पाक ने बनाए ही देखने के लिए, तो क्यों ना देखें? आपकी नजरों से तो मैं नजर चुरा लेती हूँ, आपकी आंखें खुली होती फिर मैं तस्वीर कैसे बनाती? इसलिए मैंने आपकी आंखें बंद ही रखी ताकि मैं सुकून से तस्वीर बना सकूं।
जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मेरे हो जाते हैं। और आज से तुम मेरी हो। मगर जो मेरे हो जाते हैं बस वो फिर मेरे ही हो जाते हैं। मैं तो आगे से वो सवाल करते हैं वो ना ही कोई जवाब मांगते हैं। साथ किधर ध्यान है आपका? कहाँ गुम हो? खैर अब वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी ने क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? ये तो तुम्हें पता होगा कितनी मेहनत की है तुमने अपनी प्रेजेंटेशन पे, लेकिन क्लास में तुम ऐसे ब्लैंक जैसे। आखिर हुआ क्या है? यार तू ठीक कह रहा, एकदम ब्लैंक हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था मुझे, इतना खाली तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। हनी बेबी, हानी बेबी, हानी टीम के डब्बे की तरह लड़खड़ाता हुआ बेमकसद। बैठे बैठाए पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। लग रहा था किसी ने मैथों से मेरी रूह भी खींच ली। यार मुझे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रातों से सोए भी नहीं हो। हॉस्टल जाओ और जाके सो जाओ। जब अंदर कुछ रहा ही नहीं तो नींद कहाँ रही हो? अबे बस करना यार। चला कैंटीन पे चलते हैं, तुझे चाय समोसा खिला के लाता हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए नमी के पास हो आऊँ, फिर सोचती हूँ कि बात कुछ दिन की तो होगी नहीं, वो जल्दी थोड़ा ही आने देगी। और फिर अमेरिका दूर भी इतनी है कि रोज़ रोज़ आया जाया भी नहीं जाता। फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है। मेरा ख्याल है एक दो महीने रुक जाती हूँ, अक्टूबर में जाती हूँ ताकि उसकी डिलीवरी के दिनों में उसके पास रहूँ। क्या कहते हो? आपकी मर्जी। शादी के 6 साल के बाद तुम्हारी बहन एक्सपेक्ट कर रही है, तुमने उसे एक फोन तक नहीं किया तो क्या करूं? उसे मुबारकबाद देते वो खुश हो जाती। ये मेरी ड्यूटी नहीं है उसको खुश करना। आपको जाना है आप जाएं, बता दें कब जाना है आप, क्योंकि मैं चाहता हूं जाने से पहले एक जरूरी काम है वो कर जाए, क्योंकि दिसंबर तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। कैसा काम? शादी करनी है मुझे।
सलमा बीबी जी से कहीं सुरना बखेरा करे अब मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। लेकिन जब तक तुम नहीं जाओगी वो ऐसे ही तुम्हें पुकारता रहेगा। अब तो सारी जिंदगी उस इंतजार ही करना है। बीबी जी ने कहा है कि इस चौधरी को मेरा निकाह करा देंगी। तो तुम उनको बोल क्यों नहीं देती हो? शादी ही करानी है ना, तो खुदादाद से करा दे। नहीं हो सकता जी, नौकरानियों की शादियां नौकरों से ही होती है और इसी हवेली में होती है। हमारे बच्चे भी नौकर, नस्ल दर नस्ल गुलामी चलती है। और खुदादाद वो जात का कुमार है, वो मेरी खातिर सब छोड़ के आ भी जाए तो उसे तो बांसुरी सुराई कड़ा बजाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, क्या करेगा भैया? तो अब क्या होगा? कोई जो होता है, जुदाई। कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ यार मैं? मैं बाहर टहलने गई थी साद, अजीब सी उदासी हो रही थी। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। क्या पता है? क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, तबीयत खराब है मेरी। क्या हुआ तुम्हें? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता चल जाता जब तुम्हारी तबीयत खराब होती या तुम परेशान होती हो, जैसे कि अभी। अच्छा बताओ क्यों उदास? साद वो सलमा, खैर छोड़ो, इतनी रात हो गई है तुम सो जाओ। नहीं, तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूंगा, मैं सारी रात तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल के बोझ के साथ तुम सो नहीं पाओगी, बोलो। सारी रात? हाँ, तुम बोलो और मैं सुनूंगा, चाहे सलमा के बारे में ही। सारी रात सलमा की बातें करोगे? कौन है वो लड़की? जिससे तुम शादी करना चाहते हो? जानकर क्या करेंगे आप? माँ हूं तुम्हारी। नहीं बताओगे? यही रहती है। अच्छे घराने से ताल्लुक है उसका, उम्म-ए-हानी। उम्म-ए-हानी यकीनन खुद भी बहुत अच्छी होगी। मेरे बेटे का मयार ही इतना ऊंचा है, खुदा उसे तुम्हारे लिए और तुम्हें उसके लिए नेक और मुबारक करे। नेक और मुबारक। नेक और मुबारक। जान गया हूं कल मेरा क्या खो गया था।
क्या? उसकी हंसी। नेक भी और बारिक भी। नेक और मुबारक। वो उदास थी इसलिए मैं खाली सा हो गया। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो सलमा के बारे में। अरे प्लीज, ये तो मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो हमारी मुलाजमा है। अरे जो कोई भी है, मेरे होते हुए इस वक्त हर किसी का दाखला ममनू। मैं तो बस ये सोच रही थी सलार के एक्चुअली वो किसी को पसंद है। मैं अपना इतना कीमती वक्त तुम्हारे पास गुजारने के लिए आता हूँ, तुम आगे से इस तरह के फजूल किस्से मुझे सुनाना शुरू करके सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करती हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे तो बेहतर है कि हम नाम मिला करें। अब रो दोगी? नहीं, कुछ दिन से घर में मेरे रिश्ते की बात हो रही है, वो मेरी कजन के साथ। हाँ तो क्या बात है, उसकी किस्मत में सवाए नाकामी और नाउम्मीदी की और कुछ नहीं लिखा, तो मेरी हो चुकी है। शायद इसीलिए तकदीर ने मुझे आपके लिए महफूज करके रखा है, इसीलिए तो वो बात आगे नहीं बढ़ी, वहीं खत्म हो गई। अरे मैंने कहा ना कि तुम मेरी हो चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ, सब ठीक हो जाए। सलमा, क्या हुआ? हानी बीबी, आपने ही कहा था ना कि एक बार खुदा दाद से मिलो। मैं इसीलिए मिलने नहीं जा रही थी कि किस दिल से उसको बताती कि सलमा अब उसकी नहीं रही। जब किसी के हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं। नहीं हानी बीबी, जब हमारा होना ना होना हमारे बस में ही नहीं है तो किसी और का क्या जोर। इस हवेली में तो कितनी शहजादियां रवायतों की भेंट चढ़ी हैं। मपारा बीबी को ही देख लें, सारी जवानी रुल गई उनकी, पर बराबर का जोड़ नहीं मिला। दादाजी की नाक पे कोई जचता ही नहीं था। जब उनका ख्याल किसी को नहीं आया तो हम तो फिर कमी कमीन है। आया हूँ पहली बार तुमने फोन किया, वरना मैं ही करता हूँ फोन। साद, सुनो, मुझे तुमसे काम था। हाँ कहो ना। वो मैंने कुछ मंगवाना था। मंगवाना है? बताओ ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं लाहौर में, बोलो क्या चाहिए। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? बहुत ढेर सारी ले आऊंगा, किस रंग में चाहिए?
अरे बुद्धू, तुमने तो बताया था वो मन्नत वाली चूड़ियां जिसको पहनने से, साथ तुम ही तो बता रहे थे जिनको पहनने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, जहां दिल की मर्जी हो वहां शादी भी हो जाती है। हाँ नहीं ला रहा मैं सलमा के लिए कुछ, अपने लिए कुछ मंगवाओ ना। बुद्धू सलमा के लिए नहीं, मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ। सच? तुम्हारे लिए? हाँ कल ही लाता हूँ। ठीक है। बैठे बिठाए चल पड़े हो, वीकेंड पे चले जाना। नहीं यार, उसमें अभी भी 3 दिन बाकी है, नहीं रुक सकता। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। और वो भी तुम्हारे मतलब का? हाँ, और डैड भी कहीं गए हुए हैं 2 दिन के लिए, उनको पता भी नहीं चलेगा। सुबह जाऊँगा और रात को वापस। और वैसे भी 9 दिन के बाद उसको मिलने के तसव्वुर से ही ना जान पड़ गई है मुझ में, जी उठाऊँ मैं। तुझसे कहा था ना साहब, कभी कभी मोहब्बत में जुदाई कुछ नहीं कहती, गुर्बत मार देती है। चल बेस्ट ऑफ लक। अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा मैं, उठा होगा तू? यार मेरा टेस्ट है, अभी रात तक पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा उठ जाऊं। लाइटें ऑफ कर दी यार। हाँ कर देता हूँ। सो जाए टाइम से। शब्बा खैर। ओके शब्बा खैर। सलमा तुम भाग रही हो? तो भाग जाओ ना, क्यों रुकी हो? सुबह हो जाएगी फिर भागोगी। शुक्रिया हनी बेबी, ये पैसे रख लो, काम आएंगे, बस जाओ जल्दी से। अल्लाह आपको खुश रखे आने। जाओ। बैग का है मेरा। वे यार यही कहीं होगा यार, तू सुबह सुबह तंग कर रहे। पर जा रहा हूं मैं। इतने सुबह सलमा भाग, कोई देख ले जल्दी जल्दी। ठीक है ना?
एक की तो गड्डी आती है सारे दिन में, तू घबरा ना, देर सवेर हो जाती। हवेली में सब लोग मेरी बू सूंघते फिर रहे होंगे। सलमा, 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 अरे भाभी, भाभी, भाभी नीचे आए, भाभी नीचे आए, वो सलमा कलमोही, वो बदबख भाग गई है भाभी। लारी अड्डे चले, बस में निकल जाएंगे। हाँ चल। कोना कोना छान मारा है मैंने, कहीं भी नहीं है। और तो और वो कमबख्त अपना सामान लेके भागी है। भाभी भेजे किसी को ढूंढे, उसे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। बशीरे बाले, लो आ गई गड्डी, कांत ना, चल 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 चल। भाग के जाके देखो, सलमा भाग गई है, देखो कहां तक गई है। लोग क्या कहेंगे, मैं आपको पहले ही कहती थी, सारा दिन चम 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 करती फिरती थी, आंखों पे काजल भर के पता नहीं कहां इश्क-माशूकियां लगाए फिरती। ना पारा, तुम तो चुप करो, पहले इतनी टेंशन और बोले चले जा रही हो। तू लेने आया था वो तो, लिया ही नहीं। चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तुझे नहीं पता हवेली वालों को मुझे जानों मार देंगे। आज मैं कहता हूँ इनका आज आज खैर नहीं है। आपने कल फोन ही नहीं किया। क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं फोन करूँगा? कहा तो नहीं था, मगर मुझे इंतजार होता है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने आपसे वादा ही नहीं किया तो फिर इंतजार किस बात का। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। मैंने सलमा की हेल्प करके। अच्छा प्लीज, अगर खुशी मेरी वजह से है तो फिर तो जरूर बताइए, लेकिन अगर किसी और की वजह से है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और कुछ? और मैं जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उल्टी सीधी बातों पे नाराज होती हूँ, मनाती रहती हूँ तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसी और की इतनी परवाह नहीं करती हूँ।